आज गाइस हम लोग खेलने वाले ट्रेन एडवेंचर, लेकिन इस ट्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बीज का अटैक होने वाला है। देखो हम लोग ना, मेरे पास ये गन है, ठीक है। अब मैं इस गन से इन दरख्तों को भी तोड़ सकता हूँ, जिससे हम लोग को काफी ज्यादा वुड्स मिलेंगे और इन वुड्स को हम लोग बाद में बेच सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज, अरे बाप रे बाप, मारो ज़ॉम्बीज आ गए यार। मुझे पता था सारे के सारे ज़ॉम्बीज आएंगे, लेकिन मैं अपनी ट्रेन को इन लोगों को तोड़ने या पकड़ने नहीं दूंगा। अरे अरमान भाई, हमारी ट्रेन पक्का टूटेगी, देख ले रहा है अरमान भाई, हमारी ट्रेन को कोई भी नहीं बचेगा। ओ माय गॉड गाइस, मेरी ट्रेन के ऊपर लाइफ देखो, एक मिनट, इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज कहां से आगे बैठे यार। अरमान भाई, ये तो सारे सारे बॉम्ब की तरह फट रहे यार। गाइस मेरी ट्रेन टूटने वाली है, एक मिनट। थैंक गॉड मैं स्टेशन आ गया। ओ बाप रे बाप, गाइस लगता है कि ट्रेन के ऊपर और ज्यादा वेपन्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो हम लोग बहुत बुरे तरीके से मरने वाले हैं। अरे ये देखो यार अरमान भाई, यहां पर लाइटनिंग गन भी है। ओ ये तो थोर हाइड्रो वाली लाइटनिंग गन है। लेकिन रुको, अभी मैं जरा इसको क्लिक करता हूं। ओ गाइस देखो, अभी हमारे पास दो वेपन्स आ गए हैं। अगर हम लोगों ने इन दोनों वेपन्स को मर्ज कर दिया तो हमारे पास कितनी खतरनाक वेपन आई है भाई। अरे बाप रे बाप यार, अरमान भाई तो दो गोलियां निकल रही यार। आ रही हुई ना बात यार, हमारी ट्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सेंचर आप देखना इन ज़ॉम्बीज को हम लोग कैसे मारते हैं। हाँ भाई आ जाओ, ना तुम लोग मेरे क्लोज भी नहीं आने वाले, क्योंकि इस दफा मेरी ट्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अभी तो हम लोगों ने सारे वेपन्स भी नहीं लगाए, लेकिन एक दफा बड़े वेपन्स लगाने दो मुझे, उसके बाद तुम लोग देखना। अरे नहीं, ये तो मुझे मारने पे तुले भाई, ये तो मुझे पक्का मार देंगे। वैसे रमा पे आप थोड़ा सा तेज ट्रेन को चलाओ यार। अरे चौप, ट्रेन तेज नहीं चल सकती। अरे भाई मैं ज़ॉम्बीज को मारूं या फिर मैं ट्रीज को तोड़ूं? ओके मैं ट्रीज को तोड़ता हूं। गाइस मेरी ट्रेन की हेल्थ तो बहुत, अरे यार भाई देखो, मैंने ट्रीज को नहीं इतना टोड़ा, ज़ॉम्बीज को मारने में मुझे इतना टाइम लग गया। कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं क्या करता हूं कि मैं एक और वेपन लगाता हूं। अब हमारे पास तीन वेपन हो चुके हैं हमारी ट्रेन के ऊपर। प्ले करते हैं और इस दफा हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन ट्रीज को तोड़ेंगे, ज़ॉम्बीज को हम लोग नहीं मारेंगे। हां मैं ज़ॉम्बीज को थोड़ा सा मारूंगा, तब मारूंगा जब हमारी ट्रेन बिल्कुल टूटने वाली है, क्योंकि यार आफ्टर ऑल, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा ज़ॉम्बी। अरे अमान पे बॉम्ब पे फोड़ो यार अमान पे, आप बहुत ज्यादा देर कर रहे हो यार। संजय तू फिकर मत कर यार, ज़ॉम्बी ना हम तक पहुंच भी नहीं सकेंगे, स्लो चल रहे बहुत ज्यादा। जब तक ये तेज होंगे ना, तब तक हमारी ट्रेन आगे निकल जाएगी। ओ माय गॉड गाइस, हमारी ट्रेन की तो बहुत ज्यादा हेल्थ जा चुकी है। नहीं, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम लोगों ने काफी ज्यादा ट्रीज को इस बार तोड़ लिया। कितना देखो, 246 ट्रीज हम लोगों ने तोड़े। अब हम लोगों को यहाँ पर एक और वेपन मिलने वाला है। यस गाइस, मैंने इन दोनों वेपन को अगर मर्ज कर दिया तो मुझे मिलेगा ये सेम टू सेम वेपन। अगर मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया तो भाई चार गोलियां निकलेंगी क्या? अरे रमान भाई इनको मर्ज मत कर, मुझे लग रहा है रमान भाई अगर आपने मर्ज किया तो आप पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। अरे खराब नहीं होगा गाइस, मैं मर्ज करने वाला हूं। 1 2 3 एंड गोल। एक रुको, नहीं ये मर्ज हो ही नहीं रहा। अरे रमान भाई ये तो मर्ज नहीं हो रहा यार। अरे लगता है रमान भाई हम लोगों को दूसरा वेपन परचेज करना पड़ेगा, लाइटनिंग गन परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अरे लेकिन यार रमान भाई तो मस्त गोलियां निकल रही है, हमारी ट्रेन भी तो सिंचन मस्त हो गई है। ओके ये देख भाई, बॉम्ब को फोड़ने से कितने ज्यादा ट्रीज मिल रहे। ओ माय गॉड भाई, कितने ज्यादा वुड्स हम लोगों को मिल गए। ओके तुम लोग आज ज़ॉम्बीज, तुम लोग तो मुझे पकड़ने नहीं वाले। इस दफा मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को तोड़ूंगा। वैसे मैं घर को तोड़ सकता हूँ क्या? मुझे लग रहा है गाइस कि मैंने घर के ऊपर गोलियां चलाई। नहीं, घर को हम लोग नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ ये पक्का मुझे पता है कि हम लोग इन ज़ॉम्बीज को, इन TNT बॉम्ब को फोड़ सकते हैं। चलो, थैंक गॉड भाई, ट्रेन तो हमारी जा रही है अंदर की तरफ, स्टेशन की तरफ। इस दफा तो बिल्कुल भी हेल्थ नहीं गई, एंड पे थोड़ी सी हेल्थ चली गई, लेकिन मुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं मिले, बोनस नहीं मिला यार। और वैसे रमान भाई आप क्या करोगे? सिंचन अभी मैं क्या करूं यार, मुझे रुको जरा, इसको हम लोग बेचते हैं तो कितने का बिकेगा? 1002 भाई, कितना सस्ता बिक रहा है यार, मैंने तो इतना महंगा परचेज किया था। अरे रमान भाई अभी के लिए आप ये वाला परचेज करो, उसके बाद रमान भाई हम लोग 2500 वाला लाइटनिंग गन परचेज करेंगे। सिंचन अब 2500 वाला लाइटनिंग गन परचेज करने के पैसे पता नहीं हम लोगों को कब मिलेंगे। एनीवे मुझे लग रहा है अभी हम लोग और ज्यादा ये चीज परचेज कर ही नहीं सकते। मैं ना इन वुड्स को, वैसे इन वुड्स का, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये इतनी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी पटरी क्यों है? अरे रमान भाई इस दफा तो ज़ॉम्बीज भी बहुत ज्यादा आ रहा, कुछ करो यार रमान भाई, जल्दी मारो इनको, तुम फिक्र मत करो। अरे वो देखो वहां पे एक और दरख्त है। ओ भाई ये गोल्डन ट्री था क्या? बाप रे बाप यार रमान भाई, तो आपको बहुत वुड्स मिल गए। हमारी ट्रेन की हेल्थ देख, जो तू वुड्स की बात कर रहा है, ओके ये काफी ज्यादा वुड मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। वैसे हमारी ट्रेन मस्त बढ़िया सी हो चुकी है, मुझे लाइटनिंग गन चाहिए यार। मैं ना लाइटनिंग गन देखना चाहता हूँ कि वो कैसे अटैक करती है। ओके लेट्स गो। इस दफा हम लोगों ने बहुत अच्छे से खेला, बहुत ज्यादा अच्छे से खेला, वुड्स भी हम लोगों को बहुत मिले, 1000 कॉइंस भी मिल गए। मैं अब इसको परचेज करता हूँ, लेट्स सी कि मैं परचेज, अरे एक मिनट रुको, मुझे इसको परचेज नहीं करना चाहिए क्योंकि यार भाई 2500 होने वाले हैं। अरे फिर यार अरमान भाई इसको परचेज मत करो, थोड़ा सा वेट करो। चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, लाइटनिंग गन परचेज करेंगे। अरे हेलमेट वाले ज़ॉम्बीज आ गए। वैसे अरमान भाई हेलमेट वालों की ऐसी कितनी थी, हमारी ट्रेन की बहुत हेल्थ जा रही यार। मुझे पता है चौप, ट्रेन की तो बहुत ज्यादा हेल्थ जा रही, लेकिन क्या करो, हम लोग को ट्रीज भी तो चाहिए। अरे नहीं, इन लोगों ने तो तबाही मचा दी, बहुत ज्यादा हम लोगों को डैमेज पहुंचा दिया, हमारी ट्रेन का कितना ज्यादा हेल्थ चला गया। ओ माय गॉड, इस पत्थर को तोड़ना था क्या? नहीं, जल्दी टूट, पीछे से ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। लेट्स गो, मुझे पता ही नहीं चला कि हम लोगों को इस फॉलन रॉक को भी तोड़ना है। कोयला, अरे बाप रे बाप, सिंचन चौप हम लोग को कोयला भी मिल रहा है। अरे इसका मतलब यार अमान भाई हम लोगों को आगे की तरफ गोल्ड और डायमंड भी मिलेगा। अगर गोल्ड और डायमंड मिलेगा फिर तो बहुत ज्यादा बढ़िया सा मजा आएगा यार, कोयला तो मस्त मिल रहा है। ओ भाई हम लोग को काफी ज्यादा कोयला मिल गया, वुड्स पहले मिल रहे थे, अब हम लोग को कोयला भी मिल रहा है। देखते हैं कि इस दफा हम लोग को कितने पैसे मिले। भाई साहब 2090। अरे यार अमान भाई ये तो बहुत ज्यादा पैसे होते हैं।
चलो सिंचन, अरे मैं तो सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं ना लाइटनिंग गन ले लेता हूँ। ओके मैंने ले ली यहाँ पर लाइटनिंग गन। अब देखना गाइस हमारी ट्रेन कैसे बढ़िया से चलती है। अरे वो देखो यार अमान, लेकिन यार अमान लाइटनिंग गन तो बहुत ज्यादा स्लो स्लो गोली मार रही है। अच्छा उसके लिए हम लोगों को मेरे ख्याल से क्लिक करना पड़ेगा बार बार। नहीं क्लिक नहीं करना, हम लोग एक दफा ही उनको मार रहे। देखो लाइटनिंग गन हमारी स्लो अटैक कर रही है, लेकिन एक दफा 5-6 अटैक एक साथ कर रही है। ओके अरे ज़ॉम्बी हटो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो। अरे लेकिन यार अमान डायमंड्स कब मिलेंगे, मुझे नहीं पता भाई डायमंड्स कब मिलेगा, अभी तो मैं कोयले को ले रहा हूँ क्योंकि कोयला मस्त है भाई, बहुत पैसा मिल रहा है कोयले का। लेट्स गो पीछे की तरफ से कोयले तोड़ते हैं और गोल्डन ट्री अभी तक मुझे कोई नजर नहीं आया। वैसे रमा आप क्या करो, अपनी ट्रेन पे थोड़ा फोकस करो, आपकी ट्रेन बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है यार। जब अभी वैसे भी स्टेशन आ चुका है तो ट्रेन को क्या फोकस करना। चलो ठीक है 1400 हम लोगों को मिला, मैं यहाँ पर 3500 का वेपन लेने वाला हूँ इसके बाद। वैसे लाइटनिंग गन को मर्ज करें क्या? अरे रमान फिर लाइटनिंग गन को मर्ज करेंगे तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ सिंचन, लाइटनिंग गन को मर्ज करेंगे ना मस्त पैसा मिलेगा। और वैसे हम लाइटनिंग गन को मर्ज करेंगे पैसा कैसे मिलेगा? चौप अगर ज्यादा अटैक करेंगे तो ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे, ज्यादा कोयला जमा करेंगे, ज्यादा कोयला जमा करेंगे तो ज्यादा हम लोग उसको बेच पाएंगे, ज्यादा बेच पाएंगे तो ज्यादा पैसा ही तो मिलेगा। अरे ये हुई ना बात, लेकिन रमान हम लोग को डायमंड कब मिलेंगे? मुझे लग रहा है आगे की तरफ कुछ और अनलॉक होगा, लेकिन अरे भाई साहब इतने बड़े बड़े ज़ॉम्बीज़ कहां से आ गए? एक मिनट देखो इस मोटे गुब्बारे के अंदर ना छोटे छोटे ज़ॉम्बीज़ हैं भाई। नहीं नहीं ट्रेन ही तोड़ देंगे ये लोग तो। अरे हम पे कोयले को छोड़ो, इनको मारो कुछ करो यार हमारे पे, वरना तो ये पूरा का पूरा डैमेज कर देंगे भाई साहब। गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा हो चुका है, हमारी ट्रेन इस दफा टूटेगी, इस दफा मेरी ट्रेन पक्का टूटेगी। प्लीज ट्रेन निकल, तुम्हारी ऐसी की देती। ओह बच गया, नहीं तो ट्रेन टूटती तो मुझे लग रहा सारा का सारा पैसा माइनस हो जाता। एनीवे मैंने यहां पर एक और लाइटनिंग गन परचेस कर लिया, अब हम लोग इन दोनों लाइटनिंग गन को मर्ज करते हैं। ये हुई ना बात गाइस, अब हमारी लाइटनिंग गन मर्ज हो चुकी है, देखते हैं गाइस कि इस दफा कैसा अटैक होता है। बेचारा अभी तो लाइटनिंग गन अटैक नहीं कर रही यार, वो मेरे ख्याल से ज़ॉम्बीज़ पे अटैक करेगी। लेट्स सी, अरे ये देखो ना ये अटैक किया उसने। अरे यार अमान भाई बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है, लेकिन यार इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ कहां से आ गए भाई इतने। अरे नहीं मेरी ट्रेन की आधी हेल्थ चली गई। अरे लगता है यार अमान भाई इस दफा आप हार जाओगे, मुझे भी लग रहा है इस दफा मैं हार जाऊंगा। प्लीज 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 भाई सबर कर लो यार, हमारी ट्रेन को तोड़ो मत। अरे यार अमान भाई जल्दी से कुछ ना कुछ जमा करो, तो यार अमान भाई हम लोगों का स्टेशन आ जाएगा और हम लोग खाली ट्रेन लेकर निकल जाएंगे। अरे सिंचन ट्रेन को छोड़, यहाँ पर तो हम लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। एक मिनट भाई हम लोग एलिमिनेट होने वाले गाइस, हम लोग एलिमिनेट होने वाले। ओ थैंक गॉड भाई स्टेशन आ गया, लेकिन जितना आप कोयला हो सकता है ना मैं उठाता हूँ, देखते कितना कोयला। भाई ये तो कुछ ज्यादा मुश्किल था, $1000 मिले सिर्फ और सिर्फ। कोई बात नहीं, अभी हम लोग 3500 की वेपन परचेज। गाइस गोल्ड, ये देखो गोल्ड। अरे ये हुई ना बात यार अमान भाई, इस दफा हम लोग गोल्ड मिलेगा। हाँ गाइस इस दफा हम लोग गोल्ड। अरे भाई ज़ॉम्बीज़ आ गए। अरे ज़ॉम्बीज़ निकलो तुम लोग, एक बार रुको गाइस ये देखो कितना। अरे गोल्ड की पूरी प्लेट्स मिल रही है सिंचन भाई, कुछ भी करके हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ गोल्ड को जमा करना है। ओके ज़ॉम्बीज़ को छोड़ो भाई, मैं ज़ॉम्बीज़ को नहीं मार रहा, हम लोग गोल्ड की। ओ माय गॉड भाई, तो गोल्ड की पूरी प्लेट्स मिल रही है यार। अरे ये हुई ना बात, लेकिन अमान भाई जल्दी से बॉम्ब को फोड़ो। हाँ मैं फोड़ो सारा का सारा बॉम्ब फोड़ो, ट्रेन की तो वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्थ है। अरे ये लोग भी अटैक कर रहे हैं। अरे ये क्या बात है यार अमान भाई, ये लोग कैसे अटैक कर रहे हैं? ज़ॉम्बीज भाई अटैक कर रहे हैं, गन्स आके ज़ॉम्बीज के ऊपर। नहीं भाई लालच कर दी मैंने, मेरी ट्रेन गई बिल्कुल। ओ माय गॉड गाइस हमारी ट्रेन जा चुकी है, लेकिन अब हम लोग क्या करें, रिट्राई करें क्या? रमान भाई रिट्राई करना पड़ेगा यार, तुम लोग ना लालची हो, ट्रेन ही तुम लोगों ने हमारी माइनस करवा दी। इस दफा गोल्ड को हम लोग बाद में लेंगे, आगे की तरफ बहुत खतरनाक अटैक हुआ हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा ही खतरनाक अटैक। अगर हम लोग यहाँ पर गोल्ड लेते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन भाई गोल्ड भी तो लेना है ना गाइस, अब मैं गोल्ड को छोड़ नहीं सकता, मुझे गोल्ड दिख रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ बस सिर्फ हम लोग गोल्ड ही परचेज करें। ओके इस दफा वैसे यार भाई जो लाइटनिंग गन है ना उसका ये फायदा है कि लाइटनिंग गन के ऊपर हम लोगों को एंगल नहीं करना पड़ता, लाइटनिंग गन खुद ब खुद ही ज़ॉम्बीज़ को मारती है। ये बहुत अच्छी बात है गाइस, लाइटनिंग गन का वो खुद ब खुद ही अटैक करती है। एक मिनट मुझे ना बहुत ज्यादा लाइटनिंग गन लगानी पड़ेगी, देखो पीछे की तरफ सारे ज़ॉम्बीज़ टूट गए, बल्कि मारे गए वो इसलिए मारे गए क्योंकि लाइटनिंग गन अटैक कर रहा है और लाइटनिंग गन का ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अब मुझे पता चला गन का क्या ना गाइस कि हम लोगों को गन खुद ब खुद मारनी पड़ रही है। लाइटनिंग गन का क्या है कि लाइटनिंग गन ज़ॉम्बीज़ को ऑटोमेटिकली अटैक कर रही है। अरे दोबारा तोड़ दिया गया यार, इन लोगों ने हमारी ट्रेन को दोबारा फोड़ दिया। अरे रमान भाई ये गोल्ड का ले लेते, मुझे लगता है रमान भाई ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ये वाला कौन सा वेपन है, ये तो मैंने कभी भाई यहाँ पर है भी नहीं है। ओ नहीं मुझे लग रहा है कि ये, चलो हम लोग ले लेते हैं इसको, बाद में देखते हैं कि इसका क्या अटैक है। अरे अमान भाई हम लोग वो मिल गया। अरे ये तो कुछ और ही अटैक, ये देखो भाई ये वेपन मिला, लेकिन हम लोगों को ये वेपन बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। एनीवे हम लोग इसको परचेज करते हैं। अब गाइस हमारे पास सारे के सारे वेपन आ चुके, मुझे लग रहा है हमारी ट्रेन को हम लोगों को बड़ा करना पड़ेगा। चलो चलते हैं, लेट्स गो। ओ माय गॉड गाइस ये देखो। अरे ये हुई ना बात यार अमान भाई, हमारी ट्रेन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है। तू देख भाई वो रॉकेट कैसे निकल रहा है, वो तो गोल्ड वाला कुछ ज्यादा ही खतरनाक है यार, जो मस्त है मस्त भाई, कोई भी क्लोज नहीं आ सकता हमारे भाई, किसके अंदर दम है ना। तो हमारे क्लोज आगे दिखा, इन लोगों ने हमें इस लेवल पे बार बार हराया ना, इस दफा तुम लोग हरा के दिखाओ भाई, मैं देखता हूँ तुम लोग इस दफा कैसे हराते हो। अरे हाँ भाई तू रोक रहा था ना मुझे, एक मैं इसको तोड़ा, अब तू जरा इधर आ, इसको हम लोगों ने तोड़ा, ये क्या समझ रहा था हमारी ट्रेन को रोकेगा भाई, इस दफा तुम लोग हमारी ट्रेन को बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। अरे यार अमान भाई हमारी ट्रेन तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चुकी है अमान भाई, हम लोगों को जो ये गोल्डन वेपन मिला वो कुछ ज्यादा ही ओपी है, वो तो बहुत ज्यादा ओपी है। एनीवे इसको तोड़े सबसे पहले। हाँ भाई तू मारेगा ना, निकल आ
आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। लेट्स गो। ये गई गाइस ट्रेन हमारे ऊपर को, मैं सोना उठा लेता हूँ जितना सारा सोना उठा सकता हूँ। अरे रमान भाई 4600, ये देख 4600 ट्रेन देखा कितनी खतरनाक हो चुकी है हमारी। वैसे अभी अगर मैं इसको परचेज करूँ तो क्या मर्ज होगा क्या? वैसे हमारे अभी आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। चल ठीक है इसको बेच देते हैं, इसको परचेज करता हूँ और इन दोनों को मर्ज करता हूँ। ठीक है ये हम लोगों ने मर्ज कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लाइटनिंग गन, वैसे हम लोग लाइटनिंग गन तो और मर्ज कर नहीं सकते। अरे मैं तो कहता हूँ अमान भाई गोलियों को छोड़ो, अमान भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग गन लगा, लाइटनिंग गन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अच्छा चलो ठीक है फिर इसको बेच दूं क्या? यार अमान भाई इसको बेच डालो, लाइटनिंग गन लगाते। वैसे यार अमान भाई आपने उसको बेचा, पैसे ही नहीं मिले यार। क्यों भाई पैसे नहीं मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अब तूने बोला था लाइटनिंग गन ले लो तो मैंने लाइटनिंग गन ले ली। अब देखते हैं हमारी ट्रेन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। वैसे गाइस मुझे लग रहा है कि हम लोगों को लाइटनिंग गन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अरे अमान भाई वो आगे वाली गन को भी बेच दो, क्योंकि यार अमान पीछे की तरफ जो आग वाला गन है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ लाइटनिंग गन और वो आग वाला गन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यार भाई पीछे की तरफ जो डैमेज हो रहा है वो तो देख ले हमारी ट्रेन के ऊपर कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है। मतलब पहले हमारी ट्रेन के ऊपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास गन बहुत ज्यादा ओपी थे। हम लोगों ने उनको बेच दिया। अब उनको बेचने के बाद हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। एक मेरे को इन बॉम्ब को फोड़ता हूँ, तुम लोग भाई मुझे मारते रहो। अच्छा हम लोगों को ना गाइस इन इंसानों को मारना, फिर पावर बेचक लगा रहे उसका कोई भी नुकसान नहीं होता, बस ऊपर जो बंदा खड़ा होता है ना उसको हम लोगों को मारना होता है। ओके ओ अगर एक और मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, इसको एक और दफा परचेज करते हैं। ओके गाइस हमारे पास यहाँ पर एक मेरे को ये यहाँ पर क्यों लगा, हम लोगों के पास दो थे ना तो एक माइनस कैसे हो गया? एनीवे छोड़ो इसको इसके साथ मर्ज करते हैं। ये मर्ज हुआ, इसको इसके साथ मर्ज करते हैं। अरे ये तो और भी मर्ज हो रहा भाई। अरे यार अमान भाई वो पहले तो मर्ज नहीं हो रहा था, पता नहीं पहले मर्ज क्यों नहीं हो रहा था, लेकिन ये तो लाइटनिंग गन बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। एनीवे मैं इसको भी बेच रहा हूँ ठीक है। अरे अभी तो मत बेचो यार, अभी बेचो के तो हम पर ट्रेन बहुत वीक हो जाएगी। हाँ वैसे वीक तो हो जाएगी यार। मैं ना ये 4630 वाला खरीदना चाहता हूँ, ये जो पीछे की तरफ लेजर फेंक रहे ना, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। एनीवे हमारे पास अभी वेपन्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा तू मारेगा ना, तू भाई पहले इस बंदे को नीचे गिरा देते हैं उसके बाद देखा जाएगा। ये देखो भाई ये जो लाइटनिंग बल्कि लाइटनिंग प्लाज्मा मार रहे ना, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक अटैक करते हैं, बहुत डैमेज हो जाता है इनका। अरे रमान भाई आप इनको नीचे गिरा दिया करो। हाँ इनको मैं एक दफा नीचे गिरा लेता, फिर मैं टावर पूरा का पूरा नहीं तोड़ता, बस इनको मैं नीचे गिरा लेता हूँ, कुछ भी करके इनको नीचे गिरा दो। ओह कितना बड़ा टीएनटी है, लेट्स गो, कितना सोना मिल गया मुझे। अरे वो देखो रमान भाई आगे की तरफ दूसरा, हाँ दूसरा तो है। और यहाँ पर हम लोग इस गोल्डन ट्री को भी फोड़ देते हैं। सोना कहाँ पर है? नहीं भाई सोना तो कहीं पर है ही नहीं। वैसे मेरे पास काफी ज्यादा पैसे आ चुके हैं, 4200। ओके अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान से, वैसे मैं इसको परचेज करता हूँ। अरे इसको यार अमान भाई आप मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसको एक और दफा परचेज करना पड़ेगा। कितने का है? अच्छा सिर्फ और सिर्फ 1000 और चाहिए ना भाई, वो तो अभी मुझे मिल जाएगा। लेकिन लाइटनिंग गन तो देख रहा कितनी तबाही मचा रही है, देख भाई सारे के सारे ट्रीज टूट रहे हैं। अमान भाई आप अपनी ट्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप कुछ भी ना छोड़ो, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए यार। अरे अमान भाई मुझे उस ट्रेन को देखने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, मेरा खुद उस ट्रेन को देखने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन अब वो ट्रेन कहां से। हां वैसे अगर हम लोगों ने जैसे अपग्रेड्स कर रहे ना ऐसे और अपग्रेड कर दे हमारी ट्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अरे लेकिन यार अमान भाई इन ज़ॉम्बीज को तो हम लोग बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पेल रहे हैं। वैसे इन ज़ॉम्बीज का इतना डैमेज, हाँ वैसे डैमेज तो बहुत है, लेकिन अब हमारे वेपन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तू देख रहा आग कैसे निकल रही हमारी ट्रेन के अंदर से, हल्का सा टच करता हूँ ना तो भाई वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और साथ में हमारे पास अभी सोना गोल्ड भी बहुत। एक मिनट रुको, अभी हम लोग ये परचेज करने वाले हैं, इसको इसके साथ मर्ज करेंगे, इसको इसके साथ मर्ज करेंगे। लेट्स गो भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ओके नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। 1 2 3 एंड गो, लेट्स गो। अरे वो देखो हमारे पास कितनी बड़ी आग निकल रही है यार, सिंचन ये देख वाकई में कितनी बड़ी आग निकल रही है, पूरा का पूरा सोना हमारे पास आ गया। वैसे यार मुझे ना बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपने लाइटनिंग गन को, अरे भाई लाइटनिंग गन का मस्त अटैक है सिंचन वो देख। वैसे हमारे पास बिल्कुल सही करो, लाइटनिंग गन का कुछ ज्यादा ही खतरनाक अटैक है यार। हाँ ना लाइटनिंग गन का कुछ ज्यादा ही खतरनाक अटैक है। वैसे हम लोग दुश्मन को, अरे यार भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ना होश में नहीं हूँ गाइस, लिटरली मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। अब आई डोंट नो कि मेरी ट्रेन बचेगी या फिर नहीं बचेगी, अब दुश्मन तो बहुत ज्यादा गंदे तरीके से अटैक करेंगे। ओके लेकिन तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। चलो अभी हमारे पास काफी पैसे और आ चुके हैं, तो यार सिंचन हम लोग इसको जरा मिक्स करके देखते हैं। इसको इसके साथ मर्ज किया ठीक है, इसको इसके साथ मर्ज किया तो ये क्यों नहीं मर्ज हो रहा? अरे हो तो गया यार, देखो यार हमारे पास कितना खतरनाक हो गया। ओ वाकई यार ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया। रुक जा फिर हम लोग इसको और ज्यादा परचेज करते हैं, इसको इसके साथ मर्ज करते हैं, एक और परचेज करते हैं इसको। नहीं भाई मुझे एक और परचेज करना पड़ेगा, मैं जरा देखता हूँ कि रेड के ऊपर भी हम लोग मर्ज कर सकते हैं क्या। वेट अ मिनट, ओके ये मर्ज किया, इसको इसके साथ मर्ज किया, इस रेड को रेड के साथ, लेट मी सी होता है कि। अरे ये तो और भी हो रहा है। अरे वो देखो यार अमान भाई ये तो कितना खतरनाक हो गया। अरे हमें पता ही नहीं था भाई, हम लोगों ने बेच दिए। अरे यार अमान भाई ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बाप रे बाप अमान वो गोलियां देखो यार। अरे यार अमान भाई हम लोगों ने तो, अरे वो देखो डायमंड भी मिलने लग गए। हाँ सिंचन डायमंड भी मिलने लग गए, लेकिन यार हम लोगों ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वो देख भाई कितने ज्यादा डायमंड वगैरह मिल रहे, हमारे गन देख फ्रंट वाली। अरे अमान भाई हम लोगों ने बेच के बहुत बड़ी गलती करी, हमें क्या पता था हमारे आगे की तरफ अपग्रेड होते हैं यार। सिंचन और चौप यार वो आगे और ज्यादा अपग्रेड होते हैं, इसका मतलब ये लाइटनिंग गन और वो प्लाज्मा कैनन वो भी अपग्रेड होगा। ये जो फायर कैनन, अरे ट्रेन ही हमारी टूट गई, लेकिन यार हम लोगों ने क्यों बेच दिए भाई। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए तो गाइस सिर्फ इतना ही। हमारी ट्रेन के ऊपर बहुत खतरनाक
खतरनाक वेपन्स लग चुके हैं। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगाना। मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।